अभी हमने कहा क्या? चैप्टर अभी हमने ये कहा कि डिप्लीशन रीजन के अंदर कंडक्शन बैंड खाली है, मतलब कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वैलेंसी बैंड में भी कोई भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसकी बात है ये बात है आपकी डिप्लीशन रीजन की, ठीक है। वैलेंसी बैंड पूरी तरह से फिल्ड अप है, वैलेंसी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, इसको हम शेडिंग करके दिखाते हैं। कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी बैंड कैसा है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। और ये कंडक्शन बैंड कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी, खाली है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर आप यहां से कोई सूटेबल रेडिएशन इंसिडेंट करें इसके ऊपर, ये कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंसी बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड, अगर आप कोई एक सूटेबल रेडिएशन यहां इंसिडेंट करा दें, सूटेबल रेडिएशन इंसिडेंट करा दें, तो क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में से निकल करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वैलेंसी बैंड में एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप अगर इस जंक्शन को काफी बड़ा बना लें, जो जंक्शन है ये देखो, जो नॉर्मल डायोड होता है, नॉर्मल डायोड के अंदर जो जंक्शन जंक्शन का एरिया है, एरिया ऑफ जंक्शन इन नॉर्मल डायोड, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर होता है। मतलब जो जंक्शन है एक्चुअल में, जो डिप्लीशन रीजन होती है जंक्शन है, वो बस इतना बड़ा होता है जितना मैंने डॉट लगाया, बस इतना सा होता है जंक्शन। आप इस पर आके कंबाइन, हाँ इस पर आके लाखों करोड़ों एटम इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो जाते हैं, सिर्फ इतना सा होता है जितना मैंने ए, ये अब भी नहीं, ए आराम से उठाऊ, ये मेरा डॉट, बस इतना सा होता है जंक्शन। हाँ अगर इस नॉर्मल डायोड को तोड़ के निकालो तो इतना छोटा सा जंक्शन होता है, एलईडी में दिखाई भी देता है, एलईडी में थोड़ा सा और बड़ा होता है क्योंकि वहां हमें ढेर सारी लाइट निकलवानी है, तो थोड़ा सा इतना बड़ा होता है एलईडी में, और जो ये ट्यूब लाइट के अंदर एलईडी लगा हुआ होता है उसमें जंक्शन लगभग इतना बड़ा होता है जितना मैंने ये बनाया, ये मेरे यहाँ कैमरे में जो एलईडी लगे हुए देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा वो जंक्शन ही है, इतना बड़ा होता है साइज में, तो ढेर सारी लाइट निकालता है, इसलिए जब छोटा सा जंक्शन होगा तो छोटी सी लाइट निकालेगा। जो नॉर्मल डायोड है उसके अंदर जो जंक्शन बिल्कुल बहुत ही छोटा सा होता है, जिसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज नहीं करते। हाँ जंक्शन है इसमें, हाँ 16 डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर छोटे छोटे से। अगर इस जंक्शन का एरिया काफी बड़ा कर दिया जाए, मतलब कितना बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए, ये इतना बड़ा एरिया कर दिया जाए, और फिर यहाँ ढेर सारे लाइट यहाँ इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाए, ढेर सारे फोटोन सूटेबल फोटोन इस तरह के इंसिडेंट करा लिए जाए, ताकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड्स को तोड़ करके बाहर निकल जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से हो जाए, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर एक जगह जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए पी टाइप में, वहां तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वहां, एक्चुअली पी टाइप एन टाइप की बात नहीं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, बहुत सारे आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराया, होल्स बने, और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप होकर के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, इन जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का मतलब फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, है ना, और जहां से ये कंडक्शन जो वैलेंसी बैंड खाली हुए हैं, इन होल्स को भरने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन ला दिए जाए इसके ऊपर, इन होल्स को भर दिया जाए किसी तरह से इलेक्ट्रॉन ला करके, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चले गए इन्हें कहीं इकट्ठा कर लिया जाए, तो जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए जाएंगे
वहां निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन लाए जाएंगे वैलेंसी बैंड के होल्स को फिलअप करने के लिए, उस जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा फिर? फिर होगा ये कि जहां इलेक्ट्रॉन आपने कलेक्ट करे, जहां कहीं भी आपने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करे हैं, ये तो हो गया निगेटिवली चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स आपने भेजे होल्स को पूरा करने के लिए, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। यही तो चाहिए हमें। ये कैसे काम करेगा? सेल की तरह काम कर जाएगा। इसको अगर आप ज्वाइन कर लें, किससे ज्वाइन कर लें, एक रेजिस्टेंस के थ्रू या एक लोड के थ्रू ज्वाइन कर लें, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि कन्वेंशनली करंट फ्लो करने लगेगी। कहाँ फ्लो करने लगेगी? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को करंट का फ्लो हो जाएगा, बिना किसी मैकेनिज्म के, बिना किसी तामझाम के। बस अब ये क्या बन जाएगा? अब ये कहला जाता है क्या? सोलर सेल। मतलब ये जो जंक्शन है, जंक्शन बहुत बड़ा कर दिया गया, जंक्शन बहुत ही बड़ा कर दिया गया। कितना बड़ा कर दिया गया? पूरा एक पैनल बना लिया। जो पैनल है आपका वो पूरा जंक्शन है इतना बड़ा। उसके ऊपर ढेर सारी लाइट आई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए गए कहीं और से। तो जहां से इलेक्ट्रॉन भेजे गए वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो सोलर प्लेट लगी हुई है, ये सारे के सारे एक्चुअली जंक्शन है, एक बहुत बड़ा सा जंक्शन है। तो कैसा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है? एक कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट, ठीक है। कॉपर प्लेट को मैंने रेड कलर से बना दिया, ठीक है। इस कॉपर प्लेट के ऊपर बिछा दिया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। बहुत पतली सी लेयर होती, बस ऐसा जैसे कि पेंट कर दिया हो, इतनी पतली सी लेयर, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ही पतली, इससे भी पतली एक लेयर बिछा दी जाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, और इतनी पतली होती है ये लेयर के ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। ये इतनी पतली एन टाइप की लेयर है, एक्सट्रीमली थिन एन टाइप लेयर, करेक्ट। और फिर इस एन टाइप लेयर के ऊपर बिछा दी जाती हैं पतली पतली फिंगर्स चांदी की बिछाई जाती हैं। कभी अगर आप सोलर सेल देखने का चांस आपको मिले, तो ये यूं पतला सा, ये ऐसे, फिर यूं पट्टी पट्टी सी इसमें दिखाई देंगी आपको, ये ऐसे ऐसे पट्टी सी दिखाई देंगी। कुछ तो मोटी मोटी पट्टियां हैं ये, और कुछ पतली पतली पट्टियां होती हैं। तो ये जो मोटी पतली पट्टियां जो दिखाई दे रही हैं, ये एक्चुअली चांदी की लाइंस होती हैं, सिल्वर की बनी हुई, प्योर चांदी की बनी हुई लाइंस होती हैं, करेक्ट। जिसको मैंने ये यहां बनाया है, ये फिंगर्स हैं किसकी? ये तो एन टाइप, तो ये है नीचे, ये है थिन स्ट्रिप्स ऑफ सिल्वर। अब एक सूटेबल रेडिएशन का फोटोन यहां आया, आपने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया फोटोन इंसिडेंट कराया, वो फोटोन इस एन टाइप को पार करके जंक्शन तक पहुंच गया। देखना ध्यान से, ये है जंक्शन, ये तो एन टाइप, ये नीचे पी टाइप ग्रीन वाला, मैं इसे जरा सा डार्क कर दूं, ये ग्रीन वाला है पी टाइप, और ये इनके एन टाइप और पी टाइप के बीच में एग्जैक्टली यहां जंक्शन है। तो जंक्शन तक पहुंच गए, जंक्शन पर इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट कर दिए इसने। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? सूटेबल एनर्जी थी इनकी, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से छोड़ करके कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लिया गया, कहां इकट्ठा कर लिया गया? इन सिल्वर की स्ट्रिप्स पर। अच्छा, पी टाइप में होल क्रिएट हो गए, लेकिन इसके पी टाइप को आपने चिपकाया हुआ किसके साथ? फ्यूज किया हुआ है कॉपर प्लेट के साथ। कॉपर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ढेर सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
तो कॉपर के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल करके उन होल्स को फिलअप कर गए, तो कॉपर कैसा चार्ज हो गया, कॉपर चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव, और जो ऊपर की सिल्वर की स्ट्रिप्स बनाई हुई कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए वायर और क्या लगा दीजिए, लोड लगा दीजिए, लोड में कंडक्शन करंट फ्लो कर जाएगी, कहाँ से आएगा, कॉपर से सिल्वर की तरफ, ठीक है। यहाँ या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कैसे, सिल्वर से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब यहाँ सारे के सारे होल जो बने थे फिलअप हो गए, जो होल बने थे फिलअप हो गए, फिलअप होने के बाद क्या हुआ, फिर से ये रेडिएशन तो आ ही रहा लगातार, फिर से वो होल क्रिएट करेगा पी टाइप में, फिर से कॉपर की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन उन होल्स को फिलअप कर देंगे, फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, और आपको यहाँ से करंट लोड में से अपने करंट फ्लो होती चली जाएगी। जो सोलर सेल है, एक्चुअली सोलर सेल ने काम क्या किया, जो सोलर सेल है इसने एक्चुअल में लाइट एनर्जी को, जो सूरज की लाइट एनर्जी है, इसे कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब दिन में क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी, जो स्ट्रीट लाइट में दिन में तो जरूरत नहीं है, तो दिन में स्ट्रीट लाइट में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर दिया गया, किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, बैटरी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर दिया गया। अब रात में लाइट हुई, लाइट की जरूरत है, तो ये केमिकल एनर्जी वापस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो वहाँ एक्चुअली चार्जिंग सिस्टम है, दिन में जो है सोलर पैनल इस बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, और रात में फिर ये बैटरी यूज अप होने लगती है आपकी, लाइट ना लगे, ठीक है। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको बायसिंग नहीं देनी, आपको यहाँ कोई भी सेल नहीं लगाना है, ये खुद सेल का ही काम कर रहा है, खुद ही सेल का काम कर रहा है, तभी तो इसको सोलर सेल कहा गया, समझे बात। अब बात यह आती है कि सोलर सेल बनाने में क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, सोलर सेल के बनाने में क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे कि अभी ने एलईडी बनाने के लिए कहा था, एलईडी बनाने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया कौन सा होता है, एनर्जी गैप होता है ना, कि एनर्जी गैप इतना होना चाहिए ताकि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड से जब उतरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में, तो अपने अंदर से विजिबल लाइट एमिट करे वो। लेकिन यहाँ सोलर सेल बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एनर्जी गैप ही है, एनर्जी गैप ही है। अब एनर्जी गैप क्यों है मेन क्राइटेरिया यहाँ पर, समझिए आप ध्यान से। अगर आपका ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा एनर्जी गैप हुआ ये, तो सूरज की जो लाइट है, सूरज की लाइट का वेवलेंथ है, सूरज की लाइट की वेवलेंथ, हाँ भाई ध्यान से देखो, अगर सपोज ये एनर्जी गैप सपोज 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, एक नॉर्मल इमेजिनरी वैल्यू में ले रहा हूं, यहां से कोई फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को जंप कराया, कहां से, वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में यह इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, है ना। तो आपका जो ये फोटो डायोड है, ये जो फोटो सेल है, इस फोटो सेल के सिरे पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बिल्कुल उतना ही जितना आपका एनर्जी गैप है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि 2.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल सोलर सेल बना रहा हूँ, एक ये मैंने बनाया और एक ये नीचे, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ये दो चीजें मैंने बना ली। अगर 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, तो आपको यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितने 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 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 2.7 वोल्ट, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 वोल्ट का गैप मिल जाएगा। लेकिन 2.7 वोल्ट का अगर एनर्जी गैप आपने रख दिया, तो जो पीछे से आने वाला फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी कम से कम 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी ही चाहिए। तो अगर आपका
ये एनर्जी गैप 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर आपको सोलर सेल के दोनों सिरों पर पॉजिटिव नेगेटिव पर के बीच में 2.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन जब आप वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना चाहते हैं तो इंसिडेंट होने वाले फोटोन की एनर्जी भी कम से कम 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तभी करा पाएगा। लेकिन इत्तफाक से जो हमारी सन लाइट है, सूरज की जो जितना भी रेडिएशन है, इसमें फोटोन की एनर्जी, इसमें किसी भी फोटोन की एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। इसका मतलब आप कितनी भी इंसिडेंट कराते रहो, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली कहानी, कितने भी फोटोन इंसिडेंट करा दो, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब हमें सोलर सेल के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, फेल हो गया प्रोजेक्ट, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एनर्जी गैप को इतना एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि सूरज की लाइट वाला फोटोन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचा सके, और ये है लगभग लगभग 1.4 के आसपास का, मतलब हाँ मोस्ट सूटेबल एनर्जी गैप जो है सूरज की लाइट के लिए वो है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का। मतलब ये है कि अगर आपने सोलर सेल के बनाने में अगर ये एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो फिर आप कितनी भी लाइट डाल लेना इसके ऊपर, आपको वैलेंसी बैंड में से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और सोलर सेल काम ही नहीं करेगा, इसके अक्रॉस आपको कोई भी पोटेंशियल नहीं मिलेंगे। इसके अगेंस्ट अगर आप रखते हैं एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बहुत सारे फोटॉन्स ऐसे होंगे जो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा देंगे, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। तो लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा, ये कम रह जाएगा भाई। एक एक वोल्ट, केवल एक वोल्ट मिला एक सेल से आपको, तो ऐसे 220 सेल जोड़ोगे आपस में तब जाके 220 वोल्ट मिलेंगे, है ना, उसमें फिर सीरीज में जोड़ने में कुछ और भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मोस्ट सूटेबल जो है मटेरियल वो है सिलिकन, सिलिकन जिसका कि एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या इससे और बेहतर है गैलियम आर्सेनाइड GaAs जिसका कि एनर्जी गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 गैलियम आर्सेनाइड का बना लो गैलियम आर्सेनाइड से, तो 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ये बहुत कम भी नहीं है कि हमें सोलर सेल का कोई फायदा ना मिले, और ये इतना ज्यादा भी नहीं है कि सूरज की लाइट आने वाली एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही ना हो। तो इसलिए 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये 1.48 के बहुत सारे सेल आपस में जोड़ लेंगे हम सीरीज में, तो फिर हमें कितना मिल जाएगा, 12 14 25 वोल्ट तक आराम से मिल जाते हैं इससे। ठीक है, इसमें एक ग्राफ बनाने के लिए आता है, ग्राफ बनाने के लिए अक्सर ये आता है, ये एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं फोटो वोल्टेज और वाई एक्सिस पर लेते हैं क्या, फोटो करंट। फोटो करंट अगर आपने करंट जीरो ले रखा है तो इसके बीच वोल्टेज मैक्सिमम होता है, किसके बीच का वोल्टेज मैक्सिमम होता है, पी टाइप और एन टाइप के बीच का। अगर आप करंट नहीं ले रहे हो, बिल्कुल वही बात जैसे सेल का ईएमएफ है, जब आप करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होता है, और जब आप करंट ज्यादा लेने लगोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटता चला जाता है। तो एक नया ग्राफ ये आता है, ये कहलाता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। जब आप सेल से कोई भी सोलर सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे हो, और यहां जो एक करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये कहलाती आपकी क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब दोनों को सीधे सीधे आपने एक शॉर्ट सर्किट वायर से जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तब आपको जो करंट मिलेगी वो करंट कहलाएगी शॉर्ट सर्किट करंट। बस इतना सही छोटा सा ये एग्जाम में आया करता है इसमें से।